दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं कि काजू कैसे बनता है। आपने काजू तो खाया ही होगा, खाने में इसका टेस्ट ठीक ठाक ही होता है, लेकिन काजू का सेवन करने से हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी सिस्टम को काफी फायदा मिलता है। शायद इसीलिए काजू को ड्राई फ्रूट्स का किंग भी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि काजू कैसे बनता है? आज हम आपको काजू के बनने की पूरी प्रोसेस दिखाने वाले हैं। दोस्तों आपको ये बता दे कि हम जो शॉप से काजू खरीद कर खाते हैं वो डायरेक्ट पेड़ से तोड़कर नहीं होता है। काजू का जो कच्चा फल होता है वो जहरीला होता है, इसीलिए उसको प्रोसेस करने के बाद ही बाजार में बेचा जाता है। पेड़ से लेकर काजू बनने तक उसे कई प्रोसेस से गुजरना होता है। काजू बनाने की पहली स्टेज आती है फार्मिंग। काजू के पेड़ों को काजू के लिए फार्म से लगाया जाता है और इसके फलों को कैसू एप्पल कहते हैं। इस फल के निचले हिस्से में किडनी की शेप की नट मौजूद होती है। नंबर टू, हार्वेस्टिंग। अप्रैल से मई महीने में जब काजू के फल अच्छी तरह पक जाते हैं तब उनको पेड़ों से तोड़ लिया जाता है और इसकी छटाई की जाती है। स्टेप थ्री, सोर्टिंग। पेड़ों से फल तोड़ लेने के बाद काजू के निचले लगे किडनी शेप के नट को तोड़कर अलग कर लेते हैं और वो जो जहरीला फल होता है उससे केसू फेनी बनाया जाता है, यानी उस फल से मंदरा तैयार की जाती है। स्टेप फोर, ड्राइंग। काजू में मौजूद नमी को निकालने के लिए इन्हें 3 दिनों तक धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है और इन्हें रेगुलर पलटा भी जाता है ताकि ये अच्छे तरीके से सूख सके। स्टेज फाइव, सूखे हुए केसू नट को हाई टेम्परेचर चैम्बर में डालकर रोस्ट करा जाता है। केसू नट को साइज के आधार पर उन्हें अलग अलग समय तक रोस्ट करना होता है। स्टेप सिक्स, कटिंग। काजू का छिलका काफी बड़ा होता है, इसके लिए इस खास मशीन में केसू नट को डाल देते हैं जो कि एक एक करके ऊपर का छिलका निकाल देते हैं और पहले ये कड़ा छिलका खास के हेड ऑपरेटिंग मशीन के द्वारा अलग किया जाता है ताकि अंदर का काजू टूटे बिना ही सही सलामत बाहर आ सके। काजू के खोल के अंदर के केसू नट को लिक्विड होता है जो कि काफी जहरीला और एलर्जी रिएक्शन वाला होता है। अगर स्किन पर लग जाए तो इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है, शरीर के अंदर जाने पर यह काफी नुकसान कर सकता है। स्टेज सेवन, हीटिंग। केसू नट को हीटिंग रूम में डालकर 70 से 85 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। इससे काजू में मौजूद चिपचिपा लिक्विड सूख जाता है और उसका असर भी खत्म हो जाता है। स्टेज एट, पीलिंग। काजू का कड़ा छिलका उतरने के बाद काजू के ऊपर एक और पतला छिलका मौजूद होता है। इन सभी काजुओं को एक पीलिंग मशीन में डाल दिया जाता है जो यह सारा छिलका साफ कर देते हैं और कई जगह छोटे छोटे चाकुओं की मदद से छीना जाता है जिससे काजू का ऊपरी छिलका भी निकल जाता है। स्टेज नाइन, ग्रेडिंग। अब काजू की छटाई की जाती है और काजू को साइज, कलर और शेप के आधार पर काजू को अलग अलग ग्रेड के कैटेगराइज किया जाता है और इन सभी को अलग अलग कीमत निर्धारित की जाती है। स्टेज 10, फ्यूमिगेशन। काजू के पैकिंग से पहले उनको सुगंधित धुएं से गुजारा जाता है और फिर एक क्लीनिंग लाइन में उसे मौजूद छोटे छोटे कचरों को साफ कर दिया जाता है। स्टेप 11, पैकिंग। पैकिंग के समय फिर काजू की छटाई की जाती है और काजू को पैकेट में डालने के बाद उससे सारी हवा निकाल कर उसे नाइट्रोजन गैस भरकर उसे पैक कर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस के कारण काजू ज्यादा दिनों तक सेफ रहता है। तो ये थी काजू बनने की पूरी प्रोसेसिंग। हमें ये जानकारी इकट्ठा करने में काफी समय लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपके यहाँ काजू कितने रुपए किलो मिलता है और आगे ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। काजू के फल से मंदरा कैसे बनता है ये जानने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो आपके लिए हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो वीडियो आपने पूरी देखी तो देखने के लिए धन्यवाद।